वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बालाजो विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था जायगोमाइसिटीज, और जायगोमाइसिटीज का हमने एक रिप्रेजेंटेटिव पढ़ लिया था, वो क्या था? म्यूकर। अब हम नया सब डिविजन पढ़ते हैं, वो क्या है हमारे पास में? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का हम एक रिप्रेजेंटेटिव लेंगे आज, वो है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एस्कोमाइसिटीज जो सब डिविजन है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके जनरल फीचर्स क्या है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। ठीक है, अब एस्कोमाइसिटीज जो है वो किससे मिलके बना है? तो एस्कॉस प्लस माइकीज से मिलके बना है। एस्कॉस जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्लैडर। ठीक है, और माइकीज का मतलब होता है फंजाई, यानी है जिनकी स्ट्रक्चर ब्लैडर लाइक होती है वो, या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके अंदर मिलती है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर मिलती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास में एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनके जो फॉर्म होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सो वेरी इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। किस तरह से होता है कि इनमें कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एस्कोमाइसिटीज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? ईस्ट, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज के वो किस फॉर्म में रहते हैं? फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं, मल्टी सेलुलर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ईस्ट ही एक ऐसा सिंगल एग्जाम्पल है जो यूनिसेलुलर फॉर्म है, किसका? एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि जो फिलामेंटस फॉर्म है उसके अंदर किस तरह के माइसिलियम मिलते हैं? तो वेल डेवलप्ड होते हैं, प्लस ब्रांच होते हैं और सेप्टेट माइसिलियम होते हैं। और किसके साथ में होता है? या तो वो यूनिन्यूक्लिएट हो सकते हैं या फिर वो मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज होती है? काइटिन से मिलके बनी होती है या फिर ग्लूकेन या मैनन से मिलके बनी होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर? जो फिलामेंटस फॉर्म होते हैं उनके अंदर किस तरह से होता है? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स कौन से होते हैं? ओइडिया होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स होता है और कॉनिडिया। यानी ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर और कॉनिडिया कैसे है? नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? जो फिलामेंटस फॉर्म है एस्कोमाइसिटीज के, फिलामेंटस फॉर्म के अंदर इन स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर फॉर्म है, या फिर बोल सकते हैं हम इसका सिंगल एग्जांपल कौन सा है? ईस्ट। तो यूनिसेलुलर जो फॉर्म है, सेल है जिसको बोलते हैं हम ईस्ट, उसके अंदर किस तरह से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सिंपलेस्ट मोड होते हैं बडिंग और फिशन के थ्रू होता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर इंक्लूड होने वाली जो फंजाई है वो कैसी होती है? होमोथैलिक होती है और हेटरोथैलिक होती है। होमोथैलिक का मतलब क्या होता है? कि जो सेक्सुअल स्पोर जो बनता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर, सेक्सुअल स्पोर क्या बनता है? एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन ऐसे माइसिलियम से होता है जो माइसिलियम खुद एक सिंगल एस्कोस्पोर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेटरोथैलिक। हेटरोथैलिक का मतलब यानी एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन ऐसे माइसिलियम से हुआ है जिस माइसिलियम का डेरिवेशन या जिस माइसिलियम का फॉर्मेशन दो अलग अलग स्ट्रेन के मिलने से हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है होमोथैलिक और हेटरोथैलिक में। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो दो मेथड होते हैं, एक होता है गैमेट एंजल कॉपुलेशन और एक होता है गैमेट एंजल कॉन्टैक्ट। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज जो फंजाई है उसके अंदर हेटरोकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट होती है, हेटरोकैरियोसिस होता है। क्या होता है हेटरोकैरियोसिस? हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ठीक है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियाई, अलग अलग न्यूक्लियाई किसमें? एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट जीनोटाइप आर प्रेजेंट इन सेम माइसिलियम। एक सिंगल या एक सेम माइसिलियम के अंदर दो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका जीनोटाइप बिल्कुल डिफरेंट हो, इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो क्या कहलाती है? हेटरोकैरियोसिस कहलाती है। ठीक है, सो हेटरोकैरियोसिस क्या है? क्या होता है हेटरोकैरियोसिस? द टू न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप आर प्रेजेंट इन सेम माइसिलियम। ओके, नेक्स्ट आता है कि एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है उनको क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास में एस्कोमाइसिटीज के। अब हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज जो ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनिसेलुलर फॉर्म है, और वो यूनिसेलुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ईस्ट होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ईस्ट के बारे में। ठीक है,
ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, सैक्रोमाइसिस होता है, ठीक है। सो सैक्रोमाइसिस जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होती है, यानी ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फॉर्म है, किसका, एस्कोमाइसिटीज का, ओके। ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, सैक्रोमाइसिस होता है, ठीक है। सो ये सैक्रोमाइसिस की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो हम जैसे जैसे इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते जाएंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैक्रोमाइसिस की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, ठीक है। किंगडम क्या होता है, माइकोटा होता है, माइकोटा यानी फंजाई। डिवीजन आता है यू माइकोटा, सब डिवीजन आता है एस्कोमाइकोटिना, क्लास आती है हेमो एस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर आता है एंडोमाइसिटेल्स, फैमिली क्या है, सैक्रोमाइसिटेसी। सैक्रोमाइसिटेसी फैमिली का मेंबर कौन है, सैक्रोमाइसिस, जिसका कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो ये तो थी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। सैक्रोमाइसिस का कॉमन नेम क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। इसको और हम जनरल वे में भी बोल सकते हैं, जो सुना होगा आप लोगों ने कि ईस्ट का क्या काम आता है, बेकिंग में काम आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं जनरल वे में, बेकर ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ईस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, ब्रूअर ईस्ट भी बोलते हैं, क्यों, ये ब्रिवरेजेस का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैबिटेट क्या होता है, तो ये शुगर रिच मीडियम जहां होता है वहां पर इसका हैबिटेट होता है, ये वहां मिलता है, ओके, वहां ग्रोथ करता है। किस तरह के फॉर्म होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है ये शॉर्ट चेन बना लेती है, तो शॉर्ट चेन बना लेती है तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, सूडो माइसीलियम बोल देते हैं, ठीक है। जब ईस्ट की बात आती है तब ये ध्यान रखिएगा कि ईस्ट जो है वो कभी कभी क्या होता है, सूडो माइसीलियम भी बना लेता है, ठीक है, यानी शॉर्ट चेन बनाता है, ओके। नेक्स्ट आता है इनका शेप कैसा होता है, तो अलग अलग शेप के अंदर मिलता है, क्यों, क्योंकि सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है तो वो थोड़ा इनकी जो फॉर्म होती है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। तो क्या होती है इनकी स्ट्रक्चर, ग्लोबस टाइप का हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, इलेप्टिकल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर भी ये मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ईस्ट की सेल का साइज क्या होता है, तो 6 to 8 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी लेंथ हो सकती है, और 5 to 6 माइक्रोमीटर क्या होता है इसकी विड्थ हो सकती है, ठीक है। यानी लेंथ जो होगी वो कैसी होगी, ये जो लेंथ है ये तो क्या होगी 6 to 8, और जो इसकी विड्थ होती है यानी इसका जो डायमीटर है वो कितना हो सकता है, 5 to 6 माइक्रोमीटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्सचर कैसा होता है, किस तरह के दिखते हैं, इनका कलर कैसा होता है, तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर जब मिलते हैं तो ये हाइलिन होते हैं, हाइलिन। जब ये कॉलोनी फॉर्म करते हैं यानी शॉर्ट चेन बना के रहते हैं, ये व्हाइट कलर के भी दिख सकते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं, क्रीम कलर का होता है इनकी कॉलोनी या टेक्सचर, प्लस ये ब्राउनिश कलर के भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, तो सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है यानी चीफली किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनकी काइटिन के साथ साथ इनकी सेल वॉल के अंदर ग्लूकन्स भी होते हैं और मैनन्स भी होते हैं, और ग्लूकन और मैनन क्या है, पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल होती है, लेकिन इसकी जो इनर लेयर होती है जो साइटोप्लाज्म को लिमिट किए हुए होती है, या जो लिमिटिंग लेयर होती है साइटोप्लाज्म की, वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। सो इनर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसा साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स हो प्लस डिफरेंट टाइप्स के आपके ग्रेनुल्स मिल रहे हो, तो ऐसा जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो ग्रेनुलर्स के अंदर क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म, इसकी पूरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फिल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, गॉल्जी बॉडी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लस ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसके अंदर और क्या होते हैं, वॉलिट्यून ग्रेनुअल्स होती हैं, ऑयल ग्रेनुअल्स होती हैं, इस तरह की ग्रेनुअल्स भी इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विथ न्यूक्लियस, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये जो स्ट्रक्चर होती है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्लस किसके साथ में होता है, न्यूक्लियस के साथ में होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर वैक्यूल के अंदर रहता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या कहलाती है, क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाता है, ओके। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो यूनिसेलुलर फॉर्म है यानी सिंपलेस्ट मोड होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या होता है, बडिंग होता है और फिशन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट एंजियल कॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, दो मेथड से होता है, एक होता है बडिंग और एक होता है हमारे पास में फिशन, ठीक है। सिंपलेस्ट और कॉमन मेथड कौन सा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ईस्ट के अंदर, वो है बडिंग, ठीक है।
फेवरेबल कंडीशन में होने वाला सबसे कॉमन मेथड होता है। ठीक है, किस तरह से होता है कि ईस्ट की ये एक नॉर्मल सेल है जिसके अंदर क्या फिल होता है, प्रोटोप्लास्ट फिल होता है। ठीक है, ईस्ट सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो बल्ज आउट होता है। बल्ज आउट होने से एक इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं बड। ठीक है, बड के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ये बड जो है वो ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने से क्या होता है कि इस ईस्ट की सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर भी डिवीजन होना शुरू होता है। ठीक है, उसमें डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। माइटोटिक डिवीजन होने से क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो दो न्यूक्लियाई बने होते हैं दोनों न्यूक्लियाई जो है वो एक एक सेल के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियाई जो है पेरेंट सेल के अंदर रह जाता है और एक न्यूक्लियाई जो है वो डॉटर सेल के अंदर या जो नई बर्ड है उसके अंदर माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, जब धीरे धीरे ये बर्ड मैच्योर होती है तो जो पेरेंट सेल होती है उससे ये सेल डिटैच हो जाती है, यानी और एक नई ईस्ट का फॉर्मेशन करती है, एक नई ईस्ट सेल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास में फिशन। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास में फिशन। फिशन क्या होता है, सिंपलेस्ट मोड है, प्लस कैसा मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है। जिस तरह से होता है कि एक सेल के स्प्लिटिंग से दो सेल बन जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फिशन के अंदर कि ईस्ट की एक सेल है जिसके जो मिडिल सेक्शन होते हैं उससे सेल कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू होती है। इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है कि इन दोनों सेल के बीच में जो मिडिल सेक्शन है वहां पर एक ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाता है। ठीक है, जब ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है तो उस समय क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डिवीजन शुरू होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और माइटोटिक डिवीजन से दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ठीक है, जब ट्रांसवर्स सेप्टम जो है वो कंप्लीट बन जाता है, दोनों न्यूक्लियाई अपनी अपनी अलग अलग सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, अलग पोर्शन के अंदर पहुंच जाते हैं, प्लस ट्रांसवर्स सेप्टम कंप्लीट बन जाता है। धीरे धीरे सेल मैच्योर होती है तब ये क्या होता है, ट्रांसवर्स सेप्टम के यहाँ से इस पोर्शन से जो सेप्टम बना है यहाँ से सेल एक दूसरे से डिटैच हो जाती है और इस तरह से एक डॉटर सेल बनाती है और एक पेरेंट सेल हो जाती है। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल मेथड कहलाता है फिशन। इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ईस्ट के अंदर सेल्स का डिवीजन होता है, यानी एक सेल से दो सेल बनती है। ओके, तो ये तो था बडिंग और फिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ईस्ट के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अलग अलग मेथड से होता है, अलग अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई कन्फ्यूजन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।